हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे ग्रेफाइट इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे क्या लेवल खरीदारी के बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें स्टॉक में, तो स्टॉक ने एक हाई बनाया था लगभग 547 के आसपास। वहां से स्टॉक में गिरावट हुई और ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसका रेजिस्टेंस स्टॉक को बार बार देखने को मिला। आप देखेंगे कि स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यानी कि स्टॉक ने अब ब्रेक किया है और ब्रेकआउट भी दिया है लगभग 6% के आसपास से। ठीक है, तो स्टॉक में ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, 517 रुपए का जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए लेवल है 482 का। ठीक है, ये लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूं कि स्टॉक में क्या होने की संभावना। पहली बात, स्टॉक ने ये रेंज में साइडवेज किया, ब्रेक नीचे ब्रेक डाउन आया, फिर से कवर किया, और फिर वहीं पे स्टॉक आकर खड़ा हुआ एक रेंज में। तो यहां से स्टॉक यदि नीचे आता है, नीचे कहां पर, ये लेवल पर 480 से लेकर के 490 के आसपास। ठीक है, 490 के लेवल के आसपास आता है तो आपके लिए एक खरीदारी का मौका बन जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस अपना लेकर के चलेंगे 480 का। ठीक है, 480 का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। और यदि स्टॉक ने फिर से ऊपर मूवमेंट दिखाया, यानी कि 517 के ऊपर स्टॉक टिका, तो फिर आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा 590 के टारगेट के लिए। ठीक है, 590 के ऊपर टारगेट के लिए मौका बन जाएगा, लेकिन जब तक स्टॉक 517 के ऊपर नहीं जाता है हम बाय नहीं करेंगे, या फिर स्टॉक नीचे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक नहीं करता है तब तक हम खरीदारी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नीचे से यहाँ पे आकर के बाउंस बैक दिखाता है, यानी कि ऊपर जाता है, तो फिर हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, और यदि स्टॉक 517 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी 590 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो पहला लेवल 517 के ऊपर है, दूसरा लेवल है 490 के आसपास या 490 से 80 के बीच में स्टॉक रिकवर करता है तो वहां पे एक मौका बनेगा। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं स्टॉक के लिए। तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। किसी भी स्टॉक में हमारी खरीदारी की सलाह नहीं है, आप अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद के एनालिसिस के आधार पर, अपने एनालिसिस के आधार पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।